दोस्तों मुझे पता है कि आपके कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी की डेट अनाउंस हो गई है एंड अब आप इस पार्टी में अपना बेस्ट वर्जन दिखना चाह रहे होंगे जिससे कि आप इस पार्टी में अपना एक अनफॉरगेटेबल इंप्रेशन छोड़ सकें। एंड मैं यह भी जानना हूँ कि आप इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर डिफरेंट टर्म सर्च मार रहे हैं जैसे कि व्हाट टू वियर इन फ्रेशर्स पार्टी एंड फ्रेशर्स पार्टी आउटफिट आइडियाज फॉर मेन। गाइस फॉर्चुनेटली आप सही वीडियो पर आए हैं बिकॉज इस वीडियो में आपको डिफरेंट स्टाइल्स की बेस्ट आउटफिट बताने जा रहा हूँ जो कि लड़कों को फ्रेशर्स पार्टी में कैरी करनी चाहिए अगर वो सबसे हटकर एक यूनिक एंड स्टाइलिश लुक चाह रहे हैं तो। सो गाइस अगर आप फ्रेशर्स पार्टी अटेंड करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में डिफरेंट स्टाइल्स के आउटफिट डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग बताऊंगा जिससे कि आप अपने स्टाइल के हिसाब से एक परफेक्ट आउटफिट चूज कर सकें। सो गाइस मैं हूं संज्ञान श्रीवास्तव, आई एम फैशन लाइफ स्टाइल एंड ग्रूमिंग ब्लॉगर एंड आप देख रहे हैं टिप टॉप जेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मोर क्लॉक्स लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कुछ फॉर्मल आउटफिट्स जो कि आप फ्रेशर्स पार्टी में कैरी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आउटफिट है सूट्स विद स्नीकर्स। दोस्तों इस आउटफिट को मैंने फॉर्मल सेक्शन में रखा है बट यह थोड़ा सा कैजुअली फॉर्मल या सेमी फॉर्मल टाइप का आउटफिट है। दोस्तों अगर आपके वार्डरोब में एक सूट है तो आपके लिए एक परफेक्ट आउटफिट होगा फ्रेशर्स पार्टी में कैरी करने के लिए। बस आप यह ध्यान रखिए कि जो आप सूट कैरी करें वो आपके परफेक्ट फिट हो, आपके स्नीकर्स क्लीन हो एंड कोट के अंदर एज एन इनर वियर आप शर्ट्स टी शर्ट्स या टर्टल नेक में से कुछ भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटफिट है सूट्स विद टाई। दोस्तों ये एक कंप्लीट फॉर्मल आउटफिट है और आप फॉर्मल वियर कैरी करना पसंद करते हैं तो आप इस वाले आउटफिट के साथ जा सकते हैं। इस आउटफिट को आपको टोटली फॉर्मल वे में कैरी करना है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपका सूट आपके परफेक्ट फिट हो। शूज में आप ड्रेसी शूज कैरी करें जैसे कि बूट्स या ड्रेसी स्लिपॉन्स। हालांकि यह एक फॉर्मल आउटफिट है तो आप इसके साथ कुछ फॉर्मल सूट्स एक्सेसरीज भी कैरी कर सकते हैं जैसे कि टाई, फॉर्मल वॉचेस एंड पॉकेट स्क्वायर। नेक्स्ट आउटफिट है ब्लेजर्स विद ट्राउजर्स। दोस्तों अगर आपके वार्डरोब में सूट्स नहीं है तो आप अपने ब्लेजर्स को एज अ फॉर्मल वियर कैरी कर सकते हैं। बस आप अपने ब्लेजर्स को एक अच्छे से ट्राउजर्स के साथ पेयर अप करें एंड अपने ब्लेजर्स के अंदर शर्ट टी शर्ट या टर्टल नेक में से कुछ भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटफिट है वेस्ट शर्ट्स विद पैंट्स। दोस्तों यह एक यूनिक आउटफिट है जो कि आप कैरी कर सकते हैं। इसमें आप अपने थ्री पीस वाले सूट में से अपने कोट को निकाल दीजिए एंड जस्ट वेस्ट एंड शर्ट्स के साथ जाइए एंड इसको आप डिसेंट से पैंट्स के साथ कैरी कर सकते हैं जैसे कि ट्राउजर्स या चिनोज। अगर आप थोड़ा कैजुअल लुक चाह रहे हैं तो आप इसको स्नीकर्स के साथ पेयर अप करके एक अच्छा सा आउटफिट बना सकते हैं। फॉर्मल वियर में लास्ट आउटफिट है शर्ट्स विद ट्राउजर्स। दोस्तों अगर आपकी फ्रेशर्स पार्टी थोड़ा समर सीजन में है तो आप इस वाले आउटफिट के साथ जा सकते हैं। आप एक ड्रेसी शर्ट कैरी कर सकते हैं एंड उसको एक डिसेंट से ट्राउजर्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं एंड एक अच्छा सा फॉर्मल आउटफिट बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपके ट्राउजर्स एंकल लेंथ वाले ट्राउजर्स हों एंड आप इसको अच्छे से शूज के साथ पेयर अप करें। चूंकि यह थोड़ा सा फॉर्मल आउटफिट होगा तो आप इसको थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए अदर एक्सेसरीज भी कैरी कर सकते हैं जैसे कि शर्ट ट्राउजर्स विद टाई या फिर शर्ट ट्राउजर्स विद सस्पेंडर्स। चलिए अब देख लेते हैं कुछ कैजुअल आउटफिट जो कि आप फ्रेशर्स पार्टी में कैरी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है शॉर्ट स्लीव शर्ट्स विद पैंट्स। दोस्तों अगर आपकी फिजिक अच्छी है तो आप अपने बाइसेप्स को फ्लॉन्ट कर सकते हैं जिसमें कि आप एक शॉर्ट स्लीव शर्ट कैरी कर सकते हैं एंड इसको जीन्स या जीरोस के साथ पेयर अप करके एक अच्छा सा कैजुअल आउटफिट बना सकते हैं जो कि समर्स के फ्रेशर्स पार्टी के लिए एक परफेक्ट आउटफिट होगा। नेक्स्ट आउटफिट है टी शर्ट्स विद जीन्स। दोस्तों अगर आप एक सिंपल एंड डिसेंट सा लुक चाह रहे हैं फ्रेशर्स पार्टी में कैरी करने के लिए तो आप इस वाले आउटफिट के साथ जा सकते हैं। इसमें आप एक सिंपल से राउंड नेक वाले टी शर्ट या फिर पोलो टी शर्ट के साथ जा सकते हैं एंड इसको जीन्स या चिनोज के साथ पेयर अप करके एक अच्छा सा कैजुअल आउटफिट बना सकते हैं। नेक्स्ट आउटफिट है शर्ट एंड पैंट आउटफिट। दोस्तों आप इस सिंपल से आउटफिट के साथ भी जा सकते हैं। इसमें आप एक शर्ट को जीन्स या चिनोज के साथ पेयर अप कर सकते हैं एंड एक सिंपल से कैजुअल आउटफिट बना सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा यूनिकनेस चाह रहे हैं तो आप इसके कलर मैचिंग कर सकते हैं या फिर शर्ट्स में थोड़े यूनिक पैटर्न्स ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आउटफिट है जैकेट विद जीन्स का। दोस्तों अगर आपकी फ्रेशर्स पार्टी विंटर में है तो आप इस वाले आउटफिट के साथ जा सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट टाइप के जैकेट्स को जीन्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं एंड उसके साथ अकॉर्डिंगली एक अच्छा सा इनर वियर जैसे कि शर्ट्स या टी शर्ट्स कैरी कर सकते हैं। जैकेट्स में आप बॉम्बर जैकेट, लेदर जैकेट या डेनिम जैकेट के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ब्लेजर्स को भी थोड़े कैजुअल वे में कैरी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ ट्रेडिशनल आउटफिट जो कि आप फ्रेशर्स पार्टी में कैरी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कुर्ता पैजामा। गाइस जब बात होती है बॉयज के ट्रेडिशनल वियर के तो हमको एक ही आउटफिट याद आता है जो कि है कुर्ता पैजामा। सो आप इस सिंपल से आउटफिट के साथ जा सकते हैं एंड एक स्टैंड आउट करने वाला लुक पा सकते हैं इसी सिंपल आउटफिट में। बस आप एक अच्छा एंड परफेक्ट कुर्ता पैजामा चूज करिए एंड ध्यान रखिए कि आपके परफेक्ट फिट हो। आप इसके साथ एक्सेसरीज अगर सही से मैच कराएंगे तो आप इस सिंपल से ही आउटफिट में स्टैंड आउट हो सकते हैं। अगर समर सीजन है तो आप खाली कुर्ता पैजामा के साथ जा सकते हैं एंड अगर विंटर सीजन है तो आप अपने कुर्ता पैजामा को नेहरू जैकेट या बंद गला के साथ पेयर अप कर सकते हैं एंड एक अच्छा सा आउटफिट बना सकते हैं। So guys, that's it. ये थे कुछ आउटफिट जो कि आप फ्रेशर्स पार्टी में कैरी कर सकते हैं एंड एक स्टैंड आउट करने वाला लुक अचीव कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए फ्रेशर्स पार्टी में एक अच्छा सा आउटफिट चूज कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आउटफिट आप कैरी करने वाले हैं एंड आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो कि फ्रेशर्स पार्टी में जाने वाले हैं। एट लास्ट अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर चैनल का वीडियो ऑलरेडी देखते हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज ऐसे ही मैं और भी वीडियोज इस चैनल पर लाता रहता हूँ जो कि आपको स्टाइलिश बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।